ओम श्री गणेशाय नमः। सभी को जय श्री राम, राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अब श्रवण करें। यदि नए भक्तगण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम सुरभ पय बिशद अति, गुनद करहे सब पान। गिरा गाम में सिया राम जस, गाव ही सुनहिं सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मनिक मुक्ता छबि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरनी तन छाई, लह सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तय सही सुकबि कबित बुद्ध कहई, उपजहि अनंत अनंत छब लहई। भगत हेत विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहाये, सो समझाए न कोटि उपाये। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावे हर जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्रकट जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाए पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्ध को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बार विचारू, ओय कबित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि शेष विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जुगत वेद बुनि पोहि अहे। राम चरित बरतांग पहि रहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग।
उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तांगे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो जन में कलिकाल कराला कर तब वायस भेष मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कव्य के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन महाप्रथम रेख जग मूरी अधींग धर्म ध्वज धिंदक धूरी। तिन महाप्रथम रेख जग मूरी अधींग धर्म ध्वज धंदक धूरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को उगते हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ कोद और काम के गुलाम हैं और जो धीगा धीगी करने वाले धर्मध्वज श्री धर्मध्वज जी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों से में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा पार नहीं लहऊ ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जान हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। उससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ा ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विध विनती मोरी को न कथा सुन दे है खोरी इतहु पर करी है जे अशंका मोह से अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो मत अनुरूप राम गुण गावो कह रघुपति के चरित अपारा कामति मोर निरत संसारा कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ, कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिर मेर उड़ाई कहूँ तूल के लेखे माही समुझत अमित गाम पभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रूई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरी मन बहुत हिचकता है। मंगल भवन अमंगल हारी तब हुष दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम शारद शेष महेश विधे आगम निगम पुराण नेत नेत कह जास गुण करह निरंतर गान। सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी सास वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं।
सब जानत प्रभु प्रभु ता सोई, तथप कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहुभाषा। यद्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथा बड़े बिना तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, अव्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कितनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सम्य व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करने करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममतायत छोहु, जय करुणा कर कीन न कोहु। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपाल हुए और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हर जस यस का जानी, करहिं पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री राम जी, वो प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाहा, कहीं हो नाय राम पद माता। मुनिन प्रथम हर कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय श्री राम।